मिनी हाउस मिनी ब्रिज कंस्ट्रक्शन। खड़गपुर में किशन कहकर एक प्राइवेट जॉब करने वाला रहता था। वो सुबह से काम करके घर वापस आया था। वो ऐसे घर आया था तो उनका बेटा चिंटू आकर, डैडी तुम्हारे बेटा इस सोसाइटी में सबसे अच्छा नाम कमाना चाहता है, तो उनके पिता बनकर अब उनका प्रोत्साहित करेंगे या निराश करेंगे, या फिर हमेशा की तरह गूंगा की तरह माँ के सामने चुपचाप से रहते हो ऐसे ही कुछ नहीं कहेंगे क्या? अरे कहाँ मर गई हो, जल्दी आओ इधर, इसे क्या हो गया है? ऑफिस से आया तो मेरे ऊपर गिर पड़ा है, इसे तुमने कुछ कहा कि नहीं? इस एड़े को स्कूल में कम मार्क्स मिले होंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट आया होगा, आया है क्या? ऐसे समय पर ही इसका दिमाग तेजी से काम करके हमें माया करता है, अब इसे क्या हो गया कि इतना चालाकी दिखा रहा है? डैडी दिस इज नॉट फेयर डैडी, दो आदमी बात कर रहे हैं ना, तो बीच में इस औरत को क्यों बुलाते हो? मैं तो केवल आपको एक ही पूछा, तुम्हारे बेटे को अच्छा नाम कमाना तुम्हें पसंद है कि नहीं? उसका जवाब तुम्हें क्या देना है? पसंद है तो हाँ, नहीं है तो ना कहना चाहिए। अगर तुम्हें जवाब देना नहीं आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कहकर चुपचाप रहना है। बीच में माँ को क्यों बुलाते हो? क्यों बुलाता हूँ? तुम जैसे हाइपर दिमाग वाले को जन्म दिया है ना, इसलिए तुमको डील करने के लिए मेरे जैसे साधारण आदमी का दिमाग और छोटा सा नौकरी करने वाले का दिमाग काफी नहीं होगा। तुम्हारी माँ ही तुमको अच्छे से जवाब दे सकती है। अरे ओ पागल डैडी, मैं ये प्रश्न माँ से पूछे बिना तुमसे पूछा है कहकर तुम्हारे डाउट है ना? हमारे घर में तुमसे भी बेहतर माँ ही सोच सकती है। मैं तुमसे पूछने से पहले माँ से ही पूछता हूँ। ऐसे ही मेरा प्रश्न उसको नया लगा और मालूम नहीं है रे, तुम्हारे पिता से पूछो। बेटा जो भी करता है वो माँ के लिए अच्छा ही लगता है, लेकिन पिता को ही तुम्हारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन है कहकर मेरे प्रश्न को जवाब नहीं दिया और पलायन हो गयी। इसीलिए जवाब तुम्हें ही देना चाहिए। किस बाप को अच्छा नहीं लगता है ये बोलो, बेटे को अच्छा नाम कमाने है कहकर? मुझे भी पसंद है, अगर तुम अच्छा नाम कमाया तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? अब बोलो कैसे अच्छा नाम कमाओगे? अच्छा नाम कहे तो ऐसा वैसा नाम नहीं डैडी, मीडिया में हलचल मचाने वाला नाम कमाना है डैडी, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में आना चाहिए ऐसा नाम, सेलिब्रिटी से लेकर छोटे वालों तक प्रशंसा करना चाहिए ऐसा नाम, इतना नाम कमाता हूँ डैडी। अरे तुम्हारे ये बिल्डअप देखकर मेरा ये सकोची दिल अब के अब रुक जाएगा ऐसा लग रहा है। इतना बिल्डअप मत दो, और क्या करना चाहते हो ये बताओ। ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल कमाता हूँ, ऐसा बकवास बातें मत बोलो, तुम्हें इतना सीन नहीं है कहकर मुझे पता है। हाँ हाँ मुझे भी पता है डैडी, इसलिए ये केल वेल को छोड़कर सेवा करके बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ। सेवा करोगे? अरे तुम्हें देखा तो चिड्डी और पैंट के बीच के उम्र में हो, और बातें तो बड़े बड़े करते हो, असल में क्या सेवा करना चाहते हो और कैसे करोगे? वो ये है कि पिछले बार शिमला में बाढ़ आकर लैंडस्लाइड होकर बहुत सारे परिवार सड़क पर आ गए हैं ना, उनका मदद करने के लिए मेरे तरफ से उन बेचारों को कुछ न कुछ देने के लिए मैंने तय किया। भेष भेष सुपर, मेरा बेटे होते हुए मेरे नाम तुम रोशन करेगा, कहो क्या करेंगे उन लोगों के लिए? एक चावल की थैली भेजेंगे, नहीं तो चार ब्लैंकेट्स भेजेंगे? डैडी तुम तो बहुत मीन से सोच रहे हो, तुम्हारे भेजा हुआ चावल का थैली उन्हें कहाँ काफी होता है, और वो चार ब्लैंकेट्स कितने को काफी होगा? इसीलिए अगर तुम मुझे 5 लाख दिया तो मैं उसे CM रिलीफ फंड में देता हूँ डैडी। तब दिल को पकड़कर किशन, अरे 5 लाख में कितने शून्य होते हैं ये पता है तुम्हें? 5 लाख तुम्हारे पिता का 1 साल का कमाई है, इतने पैसे कमाना है तो इंसान को कितना हार्डवर्क करना चाहिए ये पता है तुम्हें? तब कूल से चिंटू, वो सब मुझे मालूम है डैडी, ऊपर से ये हार्डवर्क ये सब क्या है? सब लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और तुम तो हार्डवर्क कहते हो। सच में 5 लाख कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है डैडी, ये तो कोई बड़ा बात है कहकर मत कहो। यारे 5 लाख कमाना इतना बड़ा समस्या नहीं होता है, आसानी से कमाते हो, दिखाओ देखते हैं कि कैसे कमाते हो। तुम ऐसे अंबर फिटिंग कुछ रखोगे कहकर मुझे पता है पिता, इसीलिए मिट्टी से हीरा ही नहीं 5 लाख कमा सकते हैं। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या मिट्टी से मनी को निकालोगे, वो कैसे? कल मिनी हाउस और मिनी ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कंपटीशन होने वाला है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ डैडी, और उसके लिए 5 पैसे भी निवेश के लिए जरूरी नहीं है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है, और मेरे पास तो बहुत सारा दिमाग है। अगले दिन चिंटू जाकर वो कंपटीशन में मिनी हाउस और मिनी ब्रिज का निर्माण किया।
वो देखकर ऑर्गेनाइजर्स, अरे 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 कितना अद्भुत है ये मिनी हाउस और ये मिनी ब्रिज। ये मिनी हाउस का निर्माण किया प्रतिभावान कौन है? बाढ़ आकर बड़े बड़े घरों को बड़ा सा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे मिनी हाउस बनाने के लिए सोच रहे हैं और उसके लिए लोगों से ही डिजाइन चाहिए कहकर पूछे। और हमारे शिमला में तो कई छोटे छोटे नाले हैं और उनके ऊपर मिनी ब्रिज का निर्माण भी करना है और उनका डिजाइन के लिए हम ही ये कॉम्पिटिशन लगाए हैं। इस कॉम्पिटिशन में चिंटू कहकर ये बच्चा बहुत बेहतरीन से जीत लिया है, इसलिए उसे ये 5 लाख का इनाम दे रहे हैं। ये सुनकर चिंटू का पिता किशन हैरान रह गया था। वो पैसे चिंटू उनका पिता को देते हुए, देखा डैडी, अब तो समझ में आया पैसे कमाना कितना आसान है। दिमाग में मैटर रहना चाहिए डैडी, बस पैसे अपने आप आ जाते हैं डैडी। अब ये 5 लाख तुम सीएम रिलीफ फंड को दे दोगे क्या? ये मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं देता हूँ डैडी, तुम इतना चिंता मत करो, 2 लाख सरकार को देता हूँ, बाकी 3 लाख से घर में क्या चाहिए सब चीज खरीदो। कम से कम वो चीज देखकर तुम्हें पैसे कमाना मुश्किल बात नहीं है, स्मार्ट वर्क है। ये बात याद आकर तुम भी स्मार्ट वर्क करके पैसे कमाने के लिए कोशिश तो करोगे। ये बात सुनकर किशन हैरान हो गया था। मैजिकल बाइक ट्री। एक गांव में एक चोर रहता था। एक बार वो चोर साइकिल पर जा रहा था तो एक घर के सामने बाइक को देखकर, मजा रे मजा, बाइक क्या मस्त है, छी ये खटारे साइकिल पे और कितने दिन फिरूंगा, आज रात इसे किसी भी तरह चोरी करना पड़ेगा, सोचा। और उस रात वो बाइक को चोरी करके उसे स्टार्ट करते ही ऐसे आवाज आने लगी, चोर डर के मारे उस बाइक को तेजी से चलाने लगा। इतने में पुलिस उसका पीछा करने लगी। चोर जंगल के रास्ते चलकर इस बाइक को कहीं छुपाना होगा, यूं सोचकर एक बड़ा सा खड्डा खोदकर उस बाइक को उसके अंदर छुपाया। इतने में पुलिस वहां पर आई। क्यों रे, इतने रात यहां पर क्या कर रहे हो? मैं यूं ही चल रहा था सर, कोई बाइक तेजी से चलाते हुए समुन्दर का रास्ता पोछने लगा, मुझे पता नहीं, चले जाओ कहकर मैंने उसे भिजा दिया सर। तुम उस चोर को पहचान सकते हो क्या? उसका चेहरा मैंने पूरी तरह नहीं देखी सर, अंधेरे में ठीक से नहीं दिखाई दिया। कांस्टेबल, इसे जीप चढ़ाओ, चोर को देखने वाला पहला गवाह है ये, सच बोलने तक इसे मत छोड़िए, कहकर उस चोर को अरेस्ट किए। थोड़े साल बाद उस चोर को पुलिस वाले, रे कम से कम अब से तो भी ईमानदारी से जियो, बेकार के काम छोड़ दो, समझ आया क्या, कहकर उस चोर को छोड़ दिए। उस शाम चोर एक पेड़ के नीचे बैठकर, अब से मैं ईमानदारी से जीऊंगा, कोई व्यापार शुरू करूंगा, यूं सोचकर उस चुराए हुए बाइक को लौटाने के लिए उस जगह पर गया। चोर उस जगह पर जाकर देखा कि वहाँ एक मैजिकल बाइक ट्रिक को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बाप रे, ये क्या पेड़ पर बाइक उग रहा है, ये सपना है या सच, सोचकर यहाँ वहाँ देखने लगा। भगवान मुझ पर दया करके मुझे व्यापार करने के लिए ऐसे किए शायद, सोचकर पेड़ के ऊपर से एक बाइक को लेकर उसे उसने जहाँ चोरी किया था वहीं उस बाइक को छोड़कर आया। अगले दिन एक छोटा सा शेड भाड़े में लेकर बाइक बेचने लगा। ऐसे माया बाइक पेड़ के मदद से वो चोर धनवान बन गया। थोड़े दिन के बाद वो चोर गरीबों को अन्नदान करते हुए खुशी से जीने लगा। जाइंट मैजिकल काउ ट्रक। नागपुर नाम का एक गांव है, वहाँ किशन चांदी नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। उनके पास एक गाय हुआ करती थी, वे उसका दूध बेचकर जीवन गुजारा करते थे। एक दिन चांदनी किशन जंगल के रास्ते से गाय को लेकर आ रहे थे। उन्हें एक पेड़ के नीचे एक मुनि तपस्या करते हुए नजर आया। अब वे उनके पास जाकर नमस्ते किए। एकदम हवा का झोंका आया, तब मुनि जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसका डाली टूट गया और उस पर गिरने ही वाला था। उस पर ध्यान देते हुए गाय उस डाली को मुनि के ऊपर गिरने से बचाई और दूसरी तरफ कर दी। अब डाली दूसरी तरफ गिर गया। वो देखकर ऋषि उसका धन्यवाद करते हुए, सच में आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसे ही बचाती, जानवर होकर भी मुझे अपने माँ की तरह बचाई, मेरे तपस शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें मुक्ति दूंगा। उतना ही नहीं, तुम जब तक जिंदा हो तुम ही इस गांव के लिए ताकत बनकर रहोगी, और तो और इस गांव में किसी को भी कोई परेशानी हो तो तुम ही कामधेनु बनकर उनके दुख को दूर करना, कहकर मुनि अपने कमल कुंड से पानी निकाल कर गाय के ऊपर डाला। फिर चांदनी किशन गाँव आकर सबको वो मुनि के गाय को दिए गए वरदान के बारे में बताए। तब गांव वाले सारे उस गाय के पास आकर अपनी अपनी समस्या के बारे में बताने लगे। तब से वो गाय गांव वालों की समस्या के हिसाब से उन्हें धन और खाना देने लगी।
उससे गांव वाले सारे मिलकर गाय के लिए एक अच्छा घर का भी निर्माण किए। जब ये सब चल रहा था तो कुछ समय बाद किशन चांदनी के घर पर पप्पू नाम का एक दूर का रिश्तेदार आया। उसे देखकर चांदनी से किशन, ये क्या यहाँ आया? चोरी करके अभी अभी तो जेल जाकर आया है, ऐसे वालों को घर आने दिए तो गांव वालों के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी, उसे तुरंत जाने के लिए कहो। घर आने वाले को ऐसे ही जाने कह दो तब हमारी इज्जत नहीं जाएगी गांव वालों के सामने, खाना खिलाकर भेज देंगे। घर पर राशन भी खत्म हो गया, इस बार तो फसल भी हाथ में नहीं आया, हमारे गाय के पास मदद मांगते हैं। अब पप्पू से किशन, पप्पू यहीं बैठो, हम अभी जाकर सब्जी लेकर आते हैं। मन में पप्पू, जाओ जाओ मैं भी तुम लोगों के पीछे ही आऊंगा, मैं आया ही उस गाय को देखने के लिए। अब किशन चांदनी गाय के पास गए, पप्पू उनका चोरी छिपे पीछा करने लगा। गाय के पास आकर किशन, अम्मा हमारे घर पर कुछ अतिथि आए हैं, घर पर रेशन खत्म हो गया है, कृपया करके हमें कुछ अनाज दे दो। तब गाय से एक रोशनी आई, उससे किशन के सामने एक पैसों की बोरी आकर किशन के आगे आ गिरी। अब वो सब गौर कर रहे पप्पू को देखकर किशन, पप्पू यहाँ क्यों आए? हमारे गांव वाले के अलावा और कोई यहाँ आए तो खतरा होगा, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ हमें खतरा होगा, मैं ही आगे वाले के लिए खतरा हूँ। सीधी बात करूँ तो मुझे वो गाय चाहिए, उसे बेचना है, मिले पैसों से एंजॉय करना है। तब उस गाय को पकड़कर पप्पू, चलो गाय डार्लिंग तुम्हारे लिए एक अच्छा दाम सेट करूँगा। अब वो गाय को जब पप्पू खींच रहा था तो वो गाय एक बड़े से जायंट काउ में बदल गई थी। उसे देखकर पप्पू जरा पीछे हटा और गाय से पप्पू, क्या तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं डर जाऊंगा सोचती हो? कहकर फोन निकालकर बात किया। अब वहाँ पप्पू के दोस्त और कुछ राउडी एक बड़े से ट्रक लॉरी को लेकर आए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो भागते हुए आकर ट्रक के आगे खड़े हो गए। लॉरी के ऊपर से पप्पू, हाँ क्या सोचती हो कि पूरा गांव आ जाएगा तो मैं डर जाऊंगा? वैसे कुछ नहीं होगा, हमारे पास बंदूक चाकू गोली बम सब है। जानते हो ये लोग कौन है? एक एक पर 10-10 मर्डर के सिरे, चुपचाप हट जाओ। रे नीच कमीने, हमारे गांव वालों को डराओगे? प्रिय गांव वालों तुम सब जाकर अपने घर के छत और मचान पर जाकर बैठ जाओ, मैं इन लोगों को अभी पिक्चर दिखाती हूँ। क्या ये लोग छत पर चढ़े? क्यों क्रिकेट मैच कुछ दिखाओगे क्या इन्हें? पिक्चर तुम क्या हमें दिखाओगे? हम दिखाएंगे तुम्हें। तब गाय एकदम से दूध देने लगी, उससे पूरा का पूरा गांव दूध में डूब गया। पप्पू और राउडी दूध में डूबते हुए तैर नहीं पा रहे थे, बचाओ 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 यूं चिल्ला रहे थे। कुछ देर बाद पूरा दूध जमीन के अंदर धीरे से चला गया, फिर सारे लोग उन्हें पकड़कर पीट रहे थे। अम्मा अम्मा हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दीजिए फिर कभी इस गांव की तरफ नहीं आएंगे। फिर उनके छोड़ देने से वे सारे चोर वो गांव छोड़कर भाग निकले। फिर गाय वापस से छोटे कद में बदल गई। इस तरह वो गाय उन गांव वालों की समस्या को दूर करते हुए उनके साथ खुशी से जीने लगी।